Good morning, students. Myself Ravi Kumar. I am your computer teacher from Subrat Singh Children Academy. Dear students, in this class, we will revise our whole syllabus. We will also discuss about the pattern of question paper, how the question paper फॉर्मेट इज कमिंग इन योर एग्जाम. जब आप स्कूल में आएंगे पेपर देने के लिए तो आपका पेपर क्वेश्चन पेपर जो है उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा. हम लोग आज उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आंसर्स कैसे आपको लिखना होगा, इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस में मिलेंगे. जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गेस हु एम आई. सेक्शन ए के ऊपर बात करेंगे गेस हु एम आई. गेस करेंगे कि मैं कौन हूं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, I type the letters in capital. Question second, I erase the character to the left of the cursor. Question number three, I move the cursor I erase the letter to the right of the cursor. I give space between the words. So dear students, आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पढ़ना है और मालूम करना है गेस हु एम आई, मैं कौन हूं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल. टाइप करना है लेटर्स को कैपिटल में, है ना. तो आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल. मैं उम्मीद करता हूं कि कीबोर्ड के सारे फंक्शंस, सारे बटन्स के बारे में नॉलेज मैंने दिया हुआ आपको. आपको उसी में से बारी बारी से पहचान करनी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द कीज गिवन इन द कीबोर्ड. आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल मींस कैप्स लॉक. यहां होगा आंसर कैप्स लॉक की, राइट. यानी कैप्स लॉक की से क्या करते हैं, इंग्लिश के बड़े अक्षरों को लिखा जाता है.
तो क्वेश्चन बोल रहा है आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है आई इरेज द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टू यू दैट देर आर टू डिलीटिंग बटन्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिलीट की। कंप्यूटर में लिखते समय बैकस्पेस की और डिलीट की, ये दोनों बटन डिलीट करने का काम करता है, लेकिन इसके कुछ रूल रेगुलेशन है। हमने आपको पहले बताया था यहां पर बात लेफ्ट की हो रही है, तो यहां पे लेफ्ट की बात होती है तो लेफ्ट में होता है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की क्या करता है, लेफ्ट हैंड से इरेज करता है, और यहां पर राइट की बात हो रही है। राइट, आई इरेज द लेटर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। राइट की बात होती है तब हम करेंगे यहां पर डिलीट बटन। एम आई राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आई मूव द कर्सर टू ए न्यू लाइन। एक न्यू लाइन की तरफ मूव करना है, क्या लिखेंगे उसके लिए, एंटर की। एंटर की विल मूव द लाइन। एम आई राइट? लास्ट क्वेश्चन, आई गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। वर्ड्स यानी शब्दों के बीच में स्पेस, कौन स्पेस देगा, स्पेस बार। कौन देगा स्पेस, स्पेस बार। स्पेस बार क्या करेगा, शब्दों के बीच में स्पेस देगा। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, आई टाइप द लेटर्स इन कैपिटल मींस कैप्स लॉक की। इन द क्वेश्चन नंबर टू आई इरेज द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर मींस बैकस्पेस की, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज आई मूव द कर्सर टू ए न्यू लाइन, एंटर की। आई इरेज द लेटर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर, डिलीट की। आई गिव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, स्पेस बार। डियर स्टूडेंट्स, आपको बारी बारी से सभी कीज के स्पेलिंग्स जो होते हैं उसको आपको अपने रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करना है, बिकॉज इफ यू आर अनेबल टू रिवाइज योर स्पेलिंग्स, लर्न योर स्पेलिंग्स, मेक योर प्रैक्टिस थ्रू स्पेलिंग्स, देन ओनली इट विल बी गुड फॉर यू। आप लिखने को तो लिख लेते हैं लेकिन स्पेलिंग्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी हेल्प ऑफ पिक्चर्स। इसका मतलब कि इसके आगे यहाँ पर पिक्चर्स भी दिया रहेगा, यहाँ पर पिक्चर्स भी रहेंगे, और इन पिक्चर्स को ही देख करके आपको इसको फिल करना है, भरना है। मैंने तो ये बोर्ड पे बनाया है इसलिए मैंने पिक्चर्स नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स में पिक्चर्स यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माउस, है ना। पिक्चर को देखेंगे, माउस बना हुआ है तो एम ओ यू एस ई, क्या बन गया, माउस। ये देखिए ये क्या बन रहा है, एम ओ एन आई टी ओ आर, मॉनिटर।
ये क्या बन गया, पी आर आई एन टी ई आर। अब यहां पर ई आया है तो के के बाद क्या बनेगा, के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड। मीन्स यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस, आपको कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस का स्पेलिंग याद करना पड़ेगा तभी आप इसको भर पाएंगे। ये लिखा है सी और आर, बताओ यहां पर क्या बनेगा, सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर, और नीचे के इसमें क्या बनेगा, सी पी यू सी पी यू। तो ये आपका सीपीयू और ये आपका कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर मॉनिटर प्रिंटर कीबोर्ड और ये माउस। इस तरीके से आपको सभी कंप्यूटर डिवाइसेस को याद करना होगा। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे डिवाइसेस के नेम्स लर्न करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्सो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द स्टेप्स ऑफ ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। How to operate a computer? कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप्स क्या होगा, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई। सेकेंड पॉइंट, स्विच ऑन द यूपीएस पावर बटन। यू ऑल नो अबाउट यूपीएस, यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इट इज ए रिचार्जेबल बैटरी फॉर कंप्यूटर, व्हेन द पावर कट्स ऑफ ऑटोमेटिकली द यूपीएस विल गिव द पावर टू योर होल कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट, यूपीएस स्विच ऑन द CPU power button, and in the last automatically so this is the steps of how to operate a computer। किसी कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए स्टेप्स दिया गया है कि सबसे पहले आप मेन पावर सप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले मेन पावर सप्लाई, उसके बाद यूपीएस पावर बटन, फिर सीपीयू पावर बटन, फिर मॉनिटर का पावर बटन, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली विंडोज आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था ऑपरेटिंग ए कंप्यूटर के बारे में। सबको मालूम है मेन पावर स्विच जो दीवार में लगे होते हैं, जो दीवार में लगा हुआ है
उसी को मेन पावर सप्लाई कहा जाता है। जो दीवार में जो बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड को ही कहते हैं मेन पावर सप्लाई। क्या कहेंगे? मेन पावर सप्लाई, जो हमारे दीवार में बोर्ड में दीवार के अंदर जो फिक्स होता है उसको कहते हैं मेन पावर सप्लाई। तो ये तो हो गया आपका मेन पावर सप्लाई। सेकंड पॉइंट पर लिखा है यूपीएस पावर बटन, यानी उसके बाद जब हम इसको ओपन कर लेंगे तो यूपीएस यानी बैटरी होता है, रिचार्जेबल बैटरी, इसके अंदर भी एक पावर बटन दिया रहता है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर सीपीयू में भी पावर बटन होता है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। फिर मॉनिटर के भी पावर बटन होता है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा कंप्यूटर का विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, डू योर वेल रिविजन बाय प्रैक्टिसिंग लॉट्स ऑफ लर्निंग स्पेलिंग्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस एंड मैनी मोर। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।